हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। बेताब समाचार YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मेरठ जिले के कस्बा सरना में हैं और यहाँ हम आपको अशोक की लाट, ये सरना का दिव्य स्थल कहा जाता है, ये बिल्कुल दिल है और ये हम दिखाना चाहेंगे। सब्जी मार्केट है और सामने चार दुकानों में आग लगी है और ये दिखाइए इधर से, चार दुकानों में आग लगी है। इनके यहाँ मालिक भी हैं और इनसे बात कराएंगे। आइए जी, यहाँ आ जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोमपाल सिंह। सोमपाल सिंह, ये जो आपकी दुकान है इसमें आग कैसे लगी? आग लगाई, चार दफे आग लगाई। अच्छा, ये आग लगाने वाला कौन है? मतलब बड़ा हाथ है, चार बार आग लग चुकी। कितना नुकसान हो चुका अब तक आपका? 40 लाख रुपए का 4 साल में नुकसान हो चुका। ये सोमपाल जी का 40 लाख रुपए का इनका अब तक जो 4 साल में नुकसान हो चुका है। और आप जी, और आपका क्या नाम है? आपकी कौन सी दुकान जी? ये किस चीज़ की दुकान थी आपकी? जूते चप्पल की दुकान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। ये नॉन मोहम्मद की जो आग लग रही है, इसका आपने कंप्लेंट वगैरह की है कभी? पहले करी थी और तीन दफा आग लगी जी। आप की बार कंप्लेंट क्यों नहीं करी? मतलब तीन बार कंप्लेंट करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई है। बहुत इतने निराश हो गए हैं, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और आप इतने निराश हैं कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये देख सकते हैं आप दुकान किस तरह से चली हुई, आप दिखाइए जरा। यहाँ पे ये सामान पड़ा हुआ है, दिखाइए। ये हम आपको दिखाएंगे, देखिए ये जो है दुकान किस तरह से चली है। आश्चर्य की बात तो ये है कि ये चार साल में दुकान में आग लग चुकी है, लेकिन इसकी जांच अभी तक नहीं हो सकी और ना इसमें कोई ये पता चल सका इसके पीछे क्या साजिश है, इसके पीछे कोई भूमाफिया है या इसके पीछे इनका कोई दुश्मन है या कोई नगर पालिका का कोई ऐसा कर्मचारी है या कोई दूसरा कोई ऐसा शहर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसमें आग लगाता है, इनका दुश्मन ही है। और ये देखिए, चार दुकानों में आग लगती है, चार बार दुकान लगती है, ये बड़ी मतलब चर्चा का विषय। या कोई ऐसी प्राकृतिक ऐसी अदृश्य शक्ति है तो वो आग लगाती है या ट्रांसफार्मर की वजह से आग लगती है, ये अभी तक जो जांच का विषय है वो अभी तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। तो इसमें इतनी निराशा है कि इस बार इन्होंने ये फैसला किया है कि हम रिपोर्ट दर्ज नहीं कराएंगे। यानी उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और ये इससे निराश हो चुके हैं। ये 3 बार कंप्लेंट कराने के बावजूद इनकी कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ पर अभी इन्होंने रिपोर्ट दर्ज न कराने का फैसला लिया है। तो यहाँ पर कोई आपके विधायक या विधानसभा के चेयरमैन कोई आया था? हाँ, क्या 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 देखिए, ये कहते हैं कि हमारा जितना नुकसान है अगर उसका 50% भी मिल जाए तो ये अपने आप को बहुत धनी मानेंगे कि बहुत बड़ा धन्यवाद होगा। बहुत कोई आदमी रेडीमेड कंपनी वाले तो पहले पता नहीं।
और सुपरटेंडेंट हो रही है उसके सब में अभी तक कितना खर्चा हो चुका है अभी तक में है उसके परसेंट हो गई क्या नाम है उनका जिनकी मौत हुई है वो भी एक दुकानदार जो है उनके एक दुकानदार की मौत भी हो रही है आइए दिखाएंगे उनकी दुकान ये आग लगने से हम दिखाना चाहेंगे जो आप देख रहे हैं ये बनियान गले हुए हैं ये देखिए आप ये नीचे लेके छोड़ दें ये बनी गला हुआ सामान है ये आप देख सकते हैं इस तरह से देखिए ये सामान जो जला हुआ पड़ा है ये जो है इनकी और इसके जो मालिक है उनकी एक दिन पहले आग लगने से एक दिन पहले उनकी मौत हो गई है बड़ी मतलब दुखदायी घटना है तो सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान दें और इनकी रिपोर्ट लिखा करके इस पर उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और हम इन लोगों से भी आग्रह करेंगे कि वो सरकार पर विश्वास रखें और अगर कोई सुनवाई नहीं हुई है तो उसके लिए उच्च अधिकारियों को जरूर ध्यान देना चाहिए और इनकी बात सुननी चाहिए नगर पालिका हाँ जी हाँ दुकान दुकान है हमारी मीटर लंबी और चौड़ाई चौड़ाई है 3 मीटर 3 मीटर चौड़ाई 49 मीटर लंबी ये खरीदा अच्छा तो ये मतलब ये तो आपको आशंका ये है कि जिन्होंने जमीन खरीदी है वो आग लगवा रहे हैं तो ये दुकानदारों का आरोप है कि जो जमीन खरीदी गई है वो उनकी आशंका है इन्हें कि वो इसमें आग लगवा रहे हैं ऐसा ही आरोप है आपका उच्च अधिकारियों को जांच करनी चाहिए अगर अभी हम रिपोर्ट करवाने जा रहे हैं तो सुनते हैं क्या फायदा करवाने के रिपोर्ट भी नहीं करवाने क्योंकि आप लेके जा रहे हैं पर हमारे लिए ना कुछ हुआ ना कुछ होने का ना हमें हमारा दिल कह रहा हमारा दिल भी नहीं मानना कि हमारे लिए कुछ हो जाएगा इसमें अच्छा आप ये नगर पालिका से विवाद चल रहा है उसके बारे में नगर पालिका से क्या विवाद है आपको नगर पालिका हमारा कोई मुकदमा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको